हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है चार्ट का ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कुछ ऐसे कैंडल्स जिसको देख के सेलर्स लोग डरते हैं और बायर्स लोग का इंटेंशन वहां पे आ जाता है कि मार्केट को कहां पे हम लोगों को लेके जाना है ना, और वो लोग पोजिशन वहाँ पर ऐड करते हैं, क्वान्टिटी ऐड करते हैं वो सब कैंडल देख के। और मैंने पहले भी आप लोगों को ये कैंडल स्टिक पैटर्न का यहाँ पर दिखाया है कि अगर आप लोगों ने नहीं मंगवाया है तो आप लोग मंगा लीजिएगा। और आज मैं पक्का याद से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। बस देखिए, चार्ट पे बस आप लोगों को बेसिक बेसिक नॉलेज आप लोगों को सीखना है ना, कुछ कुछ कैंडल स्टिक सीखना है, कुछ कुछ पैटर्न यहाँ पे सीखना है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखना है, ये सब छोटे छोटे चीज पे आप लोग मास्टरी करिए। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये सब छोटा छोटा चीज़ ही मैंने मास्टरी किया है, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ, है ना। तो वो सब भी आपको चार्ट पे दिखेगा, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे होगा, प्रोसेस से होगा, है ना। और रिजल्ट आपको देखिएगा, एक से दो दिन में सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। तो मेहनत करते रहिए, है ना, और आगे बढ़ते रहिए और चार्ट को हमेशा रीड करते रहिए। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहते रहता हूँ, है ना। तो चलिए, आज का यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, जो अपना जो सेटअप था 5 मिनट सेटअप, 2 SS 2 RR सेटअप, तो इस पे हम लोग कौन सा ऐसा कैंडल देखेंगे, है ना, कि जिस पे हम लोग, है ना, ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि अपना बहुत फेवरेट कैंडल है, मेरा बहुत फेवरेट कैंडल है एक शूटिंग स्टार कैंडल और एक हैमर। तो जनरली मैं अगर ये देख लेता हूँ ना कि ये चार्ट पे इंप्लीमेंट हो गया है, तो मैं बिना कुछ सोचे हुए ट्रेड ले लेता हूँ। लेकिन मेरे सेटअप पे वो आना चाहिए, है ना, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए एक रिवर्सल सेटअप भी मैंने यहाँ पे दे रखा है कि कहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा तो ही आपको ट्रेड करना है ना। समझ रहे हैं ना आप बात को, है ना। तो चलिए, और ट्रेडिंग यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को देखा दिया है। तो ये सब आप लोग वीडियो देखिए और सब कुछ अगर आप लोग कंपाइल करोगे ना, तो आप लोग को एक बेटर रिजल्ट मिलेगा, तभी आप लोगों को चार्ट समझ में आएगा, चार्ट आप रीड कर पाओगे। इसीलिए मैं बहुत सिंपलिसिटी वाला एक अपना यहां पे ये सेटअप दिया हूं कि इससे अगर ये आपका जब लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ रहेगा ना कैंडल पे, है ना, तो आपको बिना डरे हुए आप आराम से इजिली ट्रेड यहां पे ले सकते हैं। तो चलिए, आज स्टार्ट करते हैं वीडियो कि वो कौन कौन सा कैंडल है कि जिसपे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, और मेरा फेवरेट शूटिंग स्टार कैंडल और एक हैमर कैंडल है, है ना। तो आप कैंडल स्टिक का आप मंगा लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। चलिए, अपना सेटअप यहाँ पे सिंपली क्या था, अपना सेटअप यहाँ पे सिंपली था, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस निकलेगा अपना यहाँ पे, है ना। अब जैसे ये रेड कैंडल है तो इसका ये ओपनिंग हो गया और एक ये हाई हो गया, है ना। तो दो रेजिस्टेंस अपना डिफाइन यहाँ पे हो चुका है, और एक यहाँ पे देखिए क्लोजिंग के पास एक लगाना है और एक अपना लो के पास लगाना है ना। तो अपना यहाँ पे दो सपोर्ट अपना यहाँ पे बन चुका है यहाँ पे। तो अब देखिए, अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अब आप लोग को सीधा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग को इंतजार करना है ना। तुरंत आप लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड कभी मत करना है ना, नहीं तो तुरंत आप लोग ऐसा गलती करोगे ना तो आप फेल हो जाओगे, बार बार आपका फेलियर नजर आएगा वो चार्ट पे। आपको इंतजार करना है, आपका सेटअप आपके पास है ना, आपका चार्ट आपको बोलेगा कि कहाँ पे मुझे प्ले करो, है ना, कहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करो, कहाँ पे आप, है ना, मुझे आप परचेस करो, बाय करो, है ना, इस टाइप का आपको यहाँ पे ये चार्ट बोलेगा। तो चलिए, यहाँ पे देखिए अपना एक लो लगा हुआ है, एक अपना एक हाई लगा अपना 5 मिनट में, फिर मार्केट यहाँ पे देखिए एक लो लगाया है, फिर मार्केट एक हाई लगाया है। अब आपको यहाँ तक भी आपको वेट करना है। अब देखिए, जो आपका जो रेजिस्टेंस है, अब जो आपका रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बैक टेस्टेड में वो वीडियो बना दिया है, है ना, तो बना दिया। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक रेड कलर का देखिए एक हैमर कैंडल मिला, तो इसीलिए मैंने ये आपको दिया है, प्राइस एक्शन के बेस्ड पे मैंने ये सेटअप बनाया है, हैमर मिला तो हैमर तुरंत फेल हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करना ना कि हैमर का हाई मार्क कर देना, लो मार्क कर देना, हैमर का लास्ट वाला ही आपका यहाँ पे लो ही इसका SL रहेगा, है ना, और हैमर का जैसे ब्रेकआउट होगा, है ना, जैसे ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये हैमर का हाई हो गया और ये लो हो गया, ये आपका SL हो गया और यहाँ पे एंट्री हो गया। आप जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा, है ना, जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा आप एंट्री ले लेना, और कम से कम 10-11-12 पॉइंट का आप बफर लगा के रखना है ना, बफर लगा के रखिएगा, और एक अपना यहाँ पे, है ना, बफर आप लगा के रखिएगा।
नहीं तो सिंपल बफर लगाने नहीं भी अगर आपको आ रहा है, मैं तो यहाँ पे बहुत छोटा कैंडल यहाँ पे मैं ऐसे ले लूँगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको इसी हैमर का स्टॉप लॉस लगाना है। हर कैंडल का लो पे मत लगाइएगा, है ना, नहीं तो आप लोग ट्रैप हो जाइएगा और जैसे ये इसका विक नीचे आएगा आप लोग तुरंत एसएल दे दोगे, तो मार्केट आपको पहले डराएगा, है ना, उसके बाद वो जाएगा ऊपर, आपका एसएल हंटिंग करेगा वो, है ना। तो आप लोग को सिंपल समझना है यहाँ पे हैमर का ये जो लो हो गया ना वो आपका एसएल हो गया, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा आप लोग को यहाँ पे प्रॉफिट मिला, क्योंकि प्रॉफिट आप एकदम छोटे छोटे कैंडल्स वीक टू वीक भी अगर कैंडल लोगे ना तो आपका एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे का डेटा देखिए, आप यहाँ पे प्रीवियस डे का आप अगर डेटा देखोगे तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग पे तो ये जो कल जो सपोर्ट ये जो बन रहा था ना, है ना, तो अब ये रेजिस्टेंस के तरह ये बनेगा, है ना, अब ये रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा। और देखिए सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया और यहीं पे देखिए आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार कैंडल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। तो ये सब कैंडल देख के ना आप इजिली ट्रेड ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि आपका एसएल बहुत छोटा है ना, आप लोग समझिए बात को, आपका एसएल देखिए यहाँ पे अगर टारगेट आप लोगे शॉर्ट पोजीशन करोगे ये शूटिंग स्टार पे आप अगर आप लोगे ट्रेड तो देखिए मात्र 43 पॉइंट्स का आपका एसएल आ रहा है और टारगेट अपना ये वाला जो सपोर्ट ले रहा था ना तो ये तो सीधा यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 99 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स 85 पॉइंट्स आप लोगों को ऐसे चार्ट पे मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सेटअप बहुत ज़बरदस्त है। अब देखो अगर आप लोग यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, सेम अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए अपना जो क्लोजिंग था ना यहीं पे आके मार्केट यहाँ पे देखिए यहाँ पे, है ना, कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बना रहा है। और यहीं पे जब रेंज मैंने आपको बोला था कि जब मार्केट रेंज बनाने लगेगा ना तो उसको आप उसमें एंटर मत करिएगा, थोड़ा वेट करिएगा, है ना। वेट किए आप लोग यहाँ पे, चलिए इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, वेट आप किए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे देखिए इनडिसीजन टाइप का कैंडल है जो कि इसके विक्स नीचे हैं कि भी लोग बहुत सेलर्स लोग नीचे लेके आए हैं, इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, है ना, सेलर्स लोग नीचे लेके आए हैं लेकिन फिर यहां पे देखिए बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे आपको हैमर मिला तो ऐसा गलती मत करिए कि ये भी हैमर मिल गया तो इस पर हम ट्रेड ले लें, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे, अब आप देखो खुद देखो, आपको चार्ट ही बोलेगा, ये जो अपना जो ये हाई था तो ये यहीं पे आ रहा है, तो ये सपोर्ट अब ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो आप इस हैमर पे ले ही नहीं सकते हो ट्रेड, है ना। आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल ही मत करना, है ना। अगर आपको लेना है तो आने दीजिए मार्केट को नीचे, मार्केट यहाँ पे देखिए कितना कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहां पे जब मार्केट इस हैमर का जब ब्रेकआउट किया ना, एक मिनट दिखाता हूं मैं अच्छे से, है ना, जब इस हैमर का ब्रेकआउट किया ना तो देखिए आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। और यहाँ भी अगर आप लोग देखो ट्रेड लिए होंगे, क्योंकि देखिए मैं यही सब सेटअप यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं अपना सेटअप पर्सनली मैं आपको अपना सेटअप दे रहा हूँ यहाँ पे, और भी मेरा सेटअप पे काम चल रहा है, बहुत अच्छा अच्छा सेटअप मैं आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को दूंगा, इसीलिए मैं अभी आप लोगों को एकदम सिंपल सेटअप दे रहा हूँ कि आप लोग इस पे इजिली, है ना, पैसा बना सकते हो, और है ना जिनका भी लॉस हुआ है तो वो एक दो लॉट पे काम कर सकते हैं, बस रिस्क मैनेज करके मनी मैनेजमेंट करके। देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे देखिए हैमर अभी तक तो यहाँ पे कोई भी कैंडल इस हैमर का लो नहीं किया तो आपका एसएल नहीं यहाँ पे नहीं लिया है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे देखिए 100 पॉइंट्स यहाँ पे आप लोग आराम से अचीव कर चुके हैं, क्योंकि अब ये है ना, क्योंकि ये तो अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ना, इंट्राडे में ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसीलिए इसको निकालने में बहुत तकलीफ होगा यहाँ पे, है ना। और यहीं से देखिए मार्केट में फिर यहाँ पे फॉल होने लगा। तो चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब फिर देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से पहले चलिए मार्किंग कर लेते हैं। देखिए बार बार मार्केट यहाँ पे भी आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक किए होंगे, है ना, इसी हैमर का यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, ये स्विंग देख के, है ना, ये स्विंग पकड़ के अपना टारगेट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपना ऐसे डिफाइन है ना, और जो प्रॉफिट इस पहले वाले ट्रेड में कर दिए हैं तो उसका 5% 10% आप रिस्क लेके ट्रेड करिएगा, है ना, कैपिटल पे डेंट कभी मत लगने दीजिएगा, हमेशा प्रॉफिट पे थोड़ा आप लोग रिस्क लीजिए, है ना, क्योंकि कैपिटल आपका बचा हुआ रहेगा तभी तो आपका माइंडसेट बना हुआ रहेगा, तभी तो आपका साइकोलॉजी काम करेगा चार्ट पे, है ना, तो ऐसे काम करना है। चलिए
अब देखिए मार्केट इसी 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 को यहाँ पे है ना, इस जो अब ये जो अब इसके लिए जो सपोर्ट बना, तो अब इसके लिए अब नीचे वाले के लिए वो ऊपर रेजिस्टेंस बनेगा, ये सपोर्ट है ना। अब यहाँ पे सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, आराम से आपको शांति से बैठना है, फिर मार्केट नीचे आया। अब देखिए इसी पे देखिए मार्केट सपोर्ट किया, एक तरह का ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडल टाइप का है, लेकिन बुलिश इंगल्फिंग कैंडल में क्या होता है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग चार्ट ये मंगवा लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे पकड़ लूंगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो कैंडल है ना एकदम से परफेक्ट बहुत आप लोगों को कम दिखेगा है ना, तो आपको आपका सेटअप ही आपको बताएगा कि मुझे यहाँ पे ले लो। और देखिए यहाँ पे देखिए इसी पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम मिला है ना। और चलिए यहाँ पे भी देखिए आप लोगों को, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक हैमर मिला, तो आपको हैमर परफेक्ट, ये सब हैमर है ना, ये सब हैमर बहुत अच्छा काम करता है। तो ये यहाँ पे देखिए आप ले लीजिएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप ले लीजिएगा। टारगेट देखिए इसका वन वे आप लोगों को यहाँ पे 93 पॉइंट देखने को मिला है, और SL देखिए आपका मात्र 24 पॉइंट का है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है, इसीलिए मैं इसका नाम भी यहाँ पर रखूँगा 2SS 2RR है ना, कैंडल है ना, कैंडल सेटअप। कैंडल को देखिए और ट्रेड करिए इस सेटअप पे है ना। चलिए ये हो गया, तो आपका बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया होगा। चलिए मैं थोड़ा आप लोग को यहाँ पे बैक टेस्ट भी मैं करवा देता हूँ यहाँ पे है ना। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना एक अपना यहाँ पे ये मार्क हो गया है ना। चलिए यहाँ पे दो का क्योंकि बगल में ही है, जैसे भी रहे आपको 2SS 2RR बनाना है कैंडल पे है ना। चलिए एक यहाँ पे अपना बना दिए। अब देखो मार्केट यहाँ पे एक यहाँ पे छूट गया था है ना, छूट गया था, यहाँ पे एक बना दिए, एक यहाँ पे अपना बना दिए है ना। मार्केट क्या किया यहाँ पे, मार्केट एक अपना यहाँ पे लो लगा हुआ है, मार्केट एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे आया, मार्केट देखिए यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट किया, और इसी पे आके देखिए मार्केट एकदम उलझा हुआ है, एकदम फंसा हुआ है। तो ऐसे जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। देखिए यहीं पर आपको हैमर मिल गया, यहाँ पे आपका SL है ना, SL, और ये अपना ब्रेकआउट पे एंट्री, और ये रहा टारगेट। तो आपको ऐसे काम करना है। और रेजिस्टेंस पे आपको देखिए यहाँ पे अगर देखोगे है ना, तो ये एक तरह का बुलिश इनगल्फिंग कैंडल टाइप का लग रहा है, इसीलिए आप लोग मंगवा लेना और ट्रेड आप लोग करना, क्योंकि आप लोग कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस एक बार में ब्रेक नहीं होता है ना, उसको बार बार ऐसे ऐसे एकदम उस पर होता है ना कि वो हथौड़ी आप मारोगे तभी वो जाके वो टूटेगा, ऐसा वाला यहाँ पे थोड़ा अपना कंसेप्ट हो जाता है। ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है ना कि आपको अपने जिंदगी से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो चीज आप लोगों को दिखेगा है ना। तो ये हमेशा ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे एकदम से है ना, यहाँ पे एकदम से आया, और इसी का देखिए इसी पे एक तरह का आपको यहाँ पे हैमर ही मिल गया है ना। देखिए एकदम से यहाँ पे आपको देखिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, देखिए एक तरह का ये भी हैमर मिल गया आपको, कहाँ पे मिला है ना, इसी इसी जो ऊपर से आ रहा था, तो ये सपोर्ट के तरह ये अपना काम किया, ये देखिए अपना ये सपोर्ट के तरह काम किया, और यहीं पे देखिए आपको एक हैमर मिल गया, हैमर मिल गया इसका लो SL, और ये रहा आपका टारगेट। तो ऐसे आप लोगों को काम करना है। तो देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए आपको शूटिंग स्टार कैंडल मिला, तो शूटिंग स्टार पे आप लीजिए ना ट्रेड, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए। और इसका भी देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा है ना, क्योंकि ये सपोर्ट के तरह जो काम कर रहा था, तो अब इसका सपोर्ट ब्रेकआउट हो चुका है, क्या कि एक बार दो बार यहीं पे मार्केट आके है ना बार बार ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे भी कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है ना। और लेकिन आपका यहाँ पे लेट एंट्री होगा, क्योंकि आपका शूटिंग स्टार यहाँ पे मिल चुका है, और मार्केट में आप लोग कैसे पता करोगे, जब ये हाई लगा है ना, तो कोई भी प्रीवियस जो भी बन रहा है ना, तो उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना, ब्रेक ऐसे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ये मार्केट कंसोलिडेट किया, लेकिन इस स्विंग को नहीं निकाल पा रहा है ना। तो ऐसे आप लोगों को मार्केट में ट्रेड करना है, ये सब कैंडल देख के आपको ये 2SS और 2RR सेटअप को लगा के ट्रेड करना है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी आप लोगों को दिक्कत होगा, मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा आने वाले टाइम पे। अब मैं स्ट्रैटेजी पे जो काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सारा वो स्ट्रैटेजी दूंगा, इसीलिए ये सब तो मैं इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये सब जितना कंसेप्ट दे रहा हूं ना, बहुत तो मेरे लिए बहुत सिंप्लिसिटी वाला सेटअप है, और ये सब सेटअप से मैं काम करता हूं है ना। मैं आप लोगों को एक सेटअप और यहां पे दिया हूं यहां पे देखिए एक्यूरेसी आप लोग इसका भी देख रहे होंगे, और इसका भी मैं एक बैक टेस्ट वाला वीडियो डाल दूंगा। और बहुत ही जल्दी अपने चैनल पे जो चार्ट पैटर्न जो चलता है ना, वो थोड़ा लेट एंट्री दिलवाता है, तो मैं चार्ट पैटर्न है ना, ऐसा मैं चार्ट पैटर्न आप लोग को बनाऊंगा जो होता है ना, वो W पैटर्न M पैटर्न, तो उस पर कैसे आप लोग को ट्रेड लेना है कि आप लोग का ट्रेड है ना बहुत अच्छा एक्यूरेसी आपका उस ट्रेड पे आए है ना, और एंट्री आपका पहले हो है ना, प्रॉफिट भी आपका जल्दी हो जाए। ऐसा उसमें क्या होता है ना, थोड़ा इशूज वहाँ पे क्या आता है ना कि जैसे M बनता है ना, तो M ऐसे अगर बन रहा है ना, तो एंट्री स्नेक पे रहता है। मैं आपको यहीं पे एंट्री
दिलवा दूंगा तो ये अच्छा है ना, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना हाफ क्वांटिटी, फिर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे छोड़ना, डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो ये ऐसे नेक पे रहता है तो मैं आपका एंट्री यहीं पे करा दूंगा, मैं एंट्री आपका यहीं पे करा दूंगा, यहाँ पे जाने ही नहीं दूंगा, यहाँ पे आपको मैं प्रॉफिट बुक करा दूंगा, है ना, डबल टॉप ऐसे डबल ये सब बनता है तो मैं आप लोग को एंट्री एकदम यहीं पे करा दूंगा, तो ऐसे वाला मैं आप लोग को सारा यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स पे कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, है ना, और आप लोग खुद जाके बैक टेस्ट करिएगा। मेरा फेवरेट कैंडल है शूटिंग स्टार कैंडल और हैमर कैंडल, लेकिन आप कोई और कैंडल भी देख सकते हो, जो टॉप पे बनता है तो मार्केट गिरता है ना, और जो सपोर्ट पे बनता है तो मार्केट वहाँ पे ऊपर जाता है। ये सब कैंडल आप लोग देखना, और मैं डाल दूंगा आज मैं कैंडल स्टिक का ये डाल दूंगा, है ना, आप लोग ऑर्डर कर लेना, है ना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।